यहाँ पर एक और कोरोना मरीज ठीक हो गया, पूरी तरह से मरीज ये ठीक हो गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एम्स से डिस्चार्ज किया गया है। 33 साल का मरीज कटघोरा का रहने वाला था। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 10 बची है। अब तक 26 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, यानी कि 36 मरीज कोरोना के अब तक पाए गए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें से जो ठीक होने वाले हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा होता जा रहा है। 26 यह आंकड़ा पहुंच गया है। 26 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं 10 ऐसे एक्टिव केस हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। हालांकि राहत बड़ी खबर है, 36 मरीज 36 में से ठीक हो गए हैं। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, हालांकि राहत बड़ी खबर कहेंगे इसे, 9 था आंकड़ा, माफ कीजिएगा 25 था आंकड़ा ठीक होने वाले का, अब 26 हो गया है, यानी कि 10 एक्टिव केस और बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अभी कोरोना से जो है 36 केस आए थे, उसमें से 26 ठीक हो गए हैं और 10 मरीजों का इलाज जारी है। कल भी जो है एक 35 वर्षीय युवा का जो है छुट्टी हुई है एम्स हॉस्पिटल से। तो इस तरीके से जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं वो लगातार ठीक होते जा रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ के लिए वाकई राहत भरी खबर है। हालांकि राहत की खबर ही कहेंगे सुप्रिया ऐसे, क्योंकि जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं, हालांकि मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे कोरोना के मामलों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, 1500 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में वहां के प्रशासन ने, स्वास्थ्य महकमे ने पूरे मामले को नियंत्रण में कर रखा है। बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमे ने इस मामले को पूरा नियंत्रण में कर रखा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है अभी और भी मामले सामने आ सकते हैं, इसका की आशंकाएं जो है वो जताई जा रही है। इस वजह से कोरोना के जो हॉस्पिटल है वो भी खोल दिए गए। कटघोरा में जो है कोरोना के हॉस्पिटल खोले गए 100 बेड वाले, और साथ ही जो अम्बेडकर अस्पताल है उसको भी पूरा कोरोना के इलाज के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है। तो सरकार ये नहीं चाहती कि आगे आने वाले समय में खतरा बढ़े इस तरह से, तो इसलिए अस्पताल के भी इंतजाम है वो छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं, तेजी से किए जा रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के अन्य भी जिले हैं वहाँ पर भी कोविड से इलाज के लिए जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उस तरह की जो ट्रेनिंग है वो भी दी जा रही है डॉक्टरों को। सुप्रिया, जो 10 मामले बने हुए हैं अभी एक्टिव है, उनमें से ज्यादा गंभीर मामले कितने हैं? 10 मामलों में पूरे की जो जांच है वो चल रही है और साथ ही उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो छुट्टी है वो भी जल्द हो सकती है। बनी रहिए सुप्रिया, आपसे अगली खबर पर भी आपका रुख जानेंगे। आपका अगली